गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स का हमने मल्टीपल बता दिया है। लास्ट टाइम में वाले वीडियो में मल्टीपल आप मैट्रिक्स बताया है, आज हम इनवर्स बताएंगे कि मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम उसके सहज खंड ए जॉइंट ए निकालने के लिए सीखेंगे कि ए जॉइंट ए कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम ए इनवर्स निकालने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ए बता दे रहे हैं कि एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा और इसको कैसे निकालते हैं। अगर आपको एडजॉइंट ए आ गया समझ में, तो मैं जहां तक जानता हूं कि ए इनवर्स भी आप निकाल लेंगे। तो एडजॉइंट ए के बारे में आज बताने चल रहे हैं कि एडजॉइंट ए हमारा कैसे निकलेगा। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि क्वेश्चन को लिखेंगे, क्योंकि एडजॉइंट ए अगर हम निकाल लेते हैं तो मिला जुला के सब चीज हम कर लेंगे। लिखा है कि यदि क्वेश्चन है यदि ए बराबर 10-1, यदि ए बराबर 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 3 1 0 -1 3 4 5 3 4 5 3 4 5 1 0 -1 3 4 5 और 0 -6 -7 0 -6 -7 अगर कि a बराबर 1 0 -1 3 4 5 0 -1 0 -6 -7 तो एडजॉइंट a क्या है? तो एडजॉइंट a या इसके लिए सबसे पहले हम हल जब भी हमको एडजॉइंट ए निकालना होगा तो हम करेंगे ये कि पहले तो इसको डिटरमिनेंट में लेते आएंगे और ए के सहज गुणन, पहले इसको हम ए को डिटरमिनेंट में लेते आएंगे, ए ये हो जाएगा 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7 उसके बाद इसका हम सहज अपनों का सह गुणनखंड को फैक्टर निकालेंगे। इसका हम को फैक्टर निकालेंगे। अगर हम इसका को फैक्टर निकालते हैं तो को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ कि a11 a12 a13 पहला कॉलम दूसरा कॉलम ठीक है, ऐसे a21 a22 a23 ये हमारा होगा को फैक्टर। ये निकालने का जो तरीका होगा वो होगा को फैक्टर। अगर हम को फैक्टर निकाल लेते हैं तो हम इसका सहज गुणनखंड एडजॉइंट ए निकाल लेंगे को फैक्टर। ये अगर हम निकाल लेते हैं तो ये कंफर्म है कि आगे का काम हम कर लेंगे। अब ये देखना है कि a12 कैसे निकलेगा। तो इसमें एक फार्मूला होता है, सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारा a11 निकालना है, देखिए ये a11 निकालना है तो -1 a1 को निकालना है -1 i+c।
ये हमारा बचा माइनस फोर फोर पाई माइनस सिक्स माइनस सेवन। और अब आई जे की तरफ हम क्या रखेंगे कि आई जे की तरफ हम रखेंगे अगर के वन वन तो माइनस वन और आई के तो वन और जे के तो वन। ये बहुत प्रश्न है कि आई मतलब क्या हुआ दो और जे मतलब का वन प्लस वन और ये हमारा वैसे ही रहेगा फोर पाई माइनस सिक्स। अब अगर हम इसको निकालते हैं तो ये 4.2 होगा माइनस 4.2 तो मतलब पॉजिटिव। अब इसको निकाल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 7 28 और ये 6 5 13 प्लस के साथ 40 और ये हो गया हमारा A11 की वैल्यू कितनी आई A11 की वैल्यू हमारी 2 आ गई। ऐसे A12 A12 निकालना होगा तो माइनस वन और दूसरे पे है तो वन प्लस टू और जब ये ले लिए हम ये वाला करते हैं ये वाला 3 5 माइनस 6 3 5 0 माइनस 7 ये हो जाएगा हमारा 3 है तो माइनस के साथ होगा और ये होगा हमारा अगर ये 21 होगा और ये माइनस 5 ये हो गया 26 और प्लस 26 हो गया प्लस 26 A12 कितना आया ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और ये हमारा 21 हो जाएगा A12 कितना आया 21 आ गया हमारा A12 कितना हुआ 21 हो गया। ऐसे ही A13 निकालेंगे हम अगर हम A13 निकालते हैं अगर हम धीरे धीरे सबको निकालना पड़ेगा जाने का मतलब कि केवल को निकाल लिया अब हम केवल थ्री निकालेंगे केवल थ्री निकालेंगे ये वही का माइनस वन और वन थ्री है तो वन प्लस थ्री और वन थ्री है तो ये वाला जो ये होगा हमारा थ्री वो जीरो माइनस सिक्स। जब इसको साफ करेंगे थ्री और फोर हो जाएगा फोर हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा माइनस 24 और ये 0 हो जाएगा तो हमारा A13 कितना हो A13 हमारा माइनस 24 हो गया A13 हमारा माइनस 18 हो गया। ठीक है ऐसे ही A13 हो गया A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालेंगे देखते हैं आप निकाल पाते हैं तो ठीक है नहीं तो मैं एक एक बता दे रहा हूँ। अभी तो हमने A11 बताया A12 बताया A13 बताया A21 भी बता दे रहा हूँ A22 बता दे रहा हूँ एक एक हम करके बता दे रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये A12 निकाल लिया A13 निकाल लिया A21 निकालने के लिए वही क्या
ये टू वन माइनस वन आई जे, आई जे मतलब टू प्लस वन, और ए टू वन हम निकाल लाए हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन फिक्स होगी, जीरो माइनस सेवन जीरो माइनस वन, और ये वाली लाइन एक मिनट, ये वाली लाइन और ये वाली फिक्स माइनस सिक्स माइनस सेवन, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस के साथ होगा लेकिन ये जीरो हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा फिर माइनस होगा और फिर माइनस ये प्लस हो जाएगा, यानी मतलब ए टू वन की वैल्यू सिक्स आई, ए टू वन की वैल्यू हमारी क्या है, ए टू वन की वैल्यू सिक्स आई, ऐसे ही ए टू वन निकाल लिया, ऐसे ही ए टू टू निकालेंगे, अगर ए टू टू निकालते हैं तो माइनस वन और आई जे, आई जे मतलब टू प्लस टू और टू प्लस टू, और ये क्या हो गया हमारा, अगर टू प्लस टू हो गया तो ये वाला हुआ, ये वाला लाइन खत्म हो गया और ये वाला लाइन खत्म हो गया, तो माइनस वन माइनस अब वन माइनस वन वन माइनस वन और जीरो जीरो माइनस सेवन, अब ए टू टू ये प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस सेवन हो जाएगा, ए टू टू कितना आया माइनस सेवन आया, दिखाई दे रहा है ना, माइनस सेवन आया हमारा, ए टू टू माइनस सेवन आया, अगर हम ए टू थ्री निकालते हैं, अब ये ए टू थ्री निकालते हैं यहाँ पे, ये तो रहा है ए टू टू और ए टू थ्री, ए टू थ्री अगर हम ए टू थ्री निकालते हैं देखेंगे माइनस वन और टू प्लस थ्री और ए टू थ्री है, तो आप यहाँ पे ये वाली लाइन फिक्स होगी, ये वाली वन जीरो जीरो माइनस वन जीरो जीरो माइनस ये क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, फाइव है सिक्स हो जाएगा, ए टू थ्री जो भी हमारा ए टू थ्री ये हमारा सिक्स हुआ, ए टू टू माइनस सेवन, ए टू थ्री हमारा सिक्स हो गया, अब ए टू थ्री आपने निकाल लिया, ऐसे ही ए थ्री वन निकालेंगे, जब हम ए थ्री वन निकालेंगे ए थ्री वन तो ए थ्री वन ये होगा हमारा ए थ्री वन तो ये जीरो ये वाली लाइन फिक्स होगी ये वाली लाइन फिक्स होगी तो ए थ्री वन माइनस वन और थ्री प्लस वन और ये हो जाएगा हमारा ए थ्री वन के लिए ये खत्म जीरो माइनस वन फोर फाइव जीरो माइनस वन और फोर फाइव ये हो जाएगा माइनस वन बराबर मतलब ये जीरो हो गया फोर तो ये हो गया प्लस हो जाएगा और प्लस हो गया जीरो हो जाएगा और ये हमारा माइनस फोर हो जाएगा ए थ्री वन हो गया, ए थ्री वन हमारा क्या हो गया, ए थ्री वन हमारा माइनस फोर उस वाले में ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे ही ए थ्री टू अब ए थ्री वन हो गया, अब ए थ्री टू में भी वही काम करेंगे, ए थ्री टू में भी वही काम करना होगा माइनस वन और यहाँ पे थ्री प्लस टू, थ्री प्लस टू और अगर ए थ्री टू है थ्री प्लस टू ए थ्री टू ये वाला लाइन खत्म होगा, ये वाला खत्म होगा वन माइनस वन थ्री फाइव वन वन माइनस वन और थ्री फाइव जब तक ये फाइव हो जाएगा तो ये हमारा माइनस होगा और माइनस होगा तो ये फाइव होगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा थ्री और ये हो जाएगा माइनस ए थ्री ए थ्री टू हमारा क्या आ गया माइनस ए अब ए थ्री थ्री अगर ए थ्री थ्री हम निकालते हैं ए थ्री थ्री ये लास्ट वाला हमको निकाल रहा है ये खत्म होगा ये खत्म होगा बचेगा हमारा क्या माइनस वन के थ्री प्लस थ्री और थ्री ए थ्री थ्री वन जीरो थ्री फोर वन जीरो थ्री फोर ये हो गया हमारा सिक्स सिक्स मतलब ये वन हो गया ये हमारा क्या होगा जीरो हो गया ये हमारा फोर मतलब कि ए थ्री थ्री भी हमारा फोर ए थ्री थ्री हमारा फोर आ गया ये जो होगा हमको मिलेगा क्या ये चीजें हमको मिलेंगी कि ये चीजें अब हमको मिलेंगी स स खंडों से बना आपयू मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा कि जो हमारा इस सबसे बना हुआ ये मैट्रिक्स मिलेगा और इसको हम ये वाला मिलेगा इसको हम बी बोलेंगे चाहे इसको हम सब बी बोलेंगे और यही बी बी की वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रहा है ठीक है अब यही वैल्यू थोड़ा सा अपने हो जाए तो क्वेश्चन को रफ कर दे रहे हैं कि जिससे आपको समझ में आ जाए चाहे देखते हैं
थोड़ा सा क्वेश्चन कम कर देंगे, आपने क्वेश्चन उतार ही लिया होगा, क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब ये जो वैल्यू होगी वो हमारी b होगी, जो कि b इक्वल टू हमने लिखा था कि ये हमारा दो वेक्टर का सहगुणनखंड होगा, सहखंड रूप से बना आव्यूह होगा, और ये हमारा होगा क्या a11 से स्टार्ट करते हैं, सीधे सीधे आएंगे हमारे 221 माइनस 18 कितनी वैल्यू a11 a12 a13 रखा, 2 माइनस 1 20 18, 6 माइनस 7 6 6 माइनस 7 माइनस 7 6 6 माइनस 7 6 और 4 माइनस 8 4 8 माइनस 4, ये हमारा b आया। और अब हमको एडजॉइंट a निकाला है, एडजॉइंट b जो होगा अब वो होगा a डैश, और ये b डैश क्या होगा कि हम इसका रो को कॉलम में लेते आएंगे और कॉलम को रो में लेते जाएंगे, तो ये हमारा अगर 2 2 21 और -18 6 6 -7 -7 6, और ये 4 8 -1, ये हमारा एडजॉइंट ए होगा जिसको हम आंसर करेंगे। एडजॉइंट ए निकालने का ये हमारा तरीका है, और इसी को हम ये हमारा माइनस एट है, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा मूड छोटा तो पड़ा, लेकिन हमें लगता है जहां तक सबको समझ में आया होगा। आप एक बार और देखें और उसके बाद इसको हम समरी करते जाएंगे, कैसे करना है, करना कैसे है, ठीक है। एक बार हम समरी कर रहे हैं और फिर से बता रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन हो और कहे कि इसका एडजॉइंट ए निकालना, अगर कहे कि एडजॉइंट ए निकालना है तो सबसे पहले हम करेंगे कि बी निकालेंगे इसका वो वेक्टर में a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 निकाल, इतना निकालने के बाद हम करेंगे ये निकालने के लिए करेंगे, मान लीजिए कि a11 निकाला तो करते ये एक माइनस वन i cos j, i हमारा दो है और j हमारा कॉलम है, करने से ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो a11 मतलब पहला रो पहला कॉलम 1 cos 1, और उसके बाद ये वाली लाइन हम खत्म कर लेते हैं, और ये वाली लाइन खत्म करके 4 5 -6 -7 लिख दिया, 4 5 -6 -7, ठीक है। अब उसके बाद इसको साथ करेंगे कि 1 plus 1 हो जाएगा, तो ये 1 plus 1 2 minus 1 का क्या हो जाएगा 2 पे, मतलब 1 हो जाएगा, और ये 4 5 minus 6 minus 7, तो 4 से लेकर 28 और ये माइनस होगा, और 6 5 का 30, यहां पे पहले से माइनस होने को लगता है, ये हमारा सब सब्सट्रैक्ट में 2। ऐसे ही हम a12 निकालिए, a13 निकालिए, a21 निकालिए, a22 निकालिए, a23 निकालिए, a31 निकालिए, a32 निकालिए, a33 निकालिए, पूरा निकालने के बाद जो हमने निकाला है पूरा निकालने के बाद करेंगे ये कि इस पे हम पुट कर देंगे सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट पुट करने के बाद इसको क्या करेंगे b डैश निकालेंगे, b डैश मतलब कि जो रो है वो कॉलम में आ जाएगा, तो कॉलम में रो पे चला जाएगा, और यही हमारा एडजॉइंट ए होगा। एक बार और सबमिट टाइप का हम बता दे रहे हैं, किसी चीज का हमको एडजॉइंट ए निकालना होगा तो हम यही करेंगे कि सबसे पहले उसका को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर निकालने के बाद उसके बाद उसमें
वो वैल्यू को पुट करेंगे और उसका हम डैश निकालेंगे। डैश निकालने के लिए यही हम करते हैं कि वो हमारा कॉलम का रो में चेंज हो जाए और रो हमारा कॉलम में चेंज हो जाए। और इतना होने के बाद हम ये कर लेंगे, जो बी डैश होगा वही हमारा एडजॉइंट ए होगा। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सॉल्व करें, और नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो मैं हिंट दे दूंगा, उसको आप कर ले जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 1 2 3 1 3 4 1 2 3, यदि a बराबर 1 2 3 1 3 4 1 3 4 और 1 4 3 1 4 3, इसका एक जॉइंट निकालना, एक जॉइंट निकालना। सेम वही काम करेंगे जो आपको हमने पिछले बार बताया था। हम दो फैक्टर निकालेंगे, दो फैक्टर्स निकालने के लिए यही करेंगे। इसको या तो ये कर सकते हैं हम पी पी लिख लिया और दो फैक्टर निकालने के लिए करेंगे a11 a12 a13 a21 a21 A22, A23 और A31, A32 और A33। ये को फैक्टर निकालने का तरीका है, ये को फैक्टर हम निकालेंगे। को फैक्टर आप निकालो, उसके बाद अगर नहीं निकाल पाते हो तो मैं डायरेक्ट एक हिंट दे दूंगा जिसके बाद आप कर ले जाएंगे। पहले को फैक्टर आप निकालें। को फैक्टर निकालें, को फैक्टर कैसे निकलेगा एक बार हम आप बता दें कि को फैक्टर देख ले निकाल लें, नहीं तो अच्छा पूरा वो बता दे रहे हैं कि कैसे हमें को फैक्टर हमारा निकलेगा। अगर आपने को फैक्टर निकाल लिया होगा जैसे हमने बताया था, तो आपको अगर को फैक्टर निकाल लिए होंगे तो आपको एक बी मिलेगा, जो ये बी होगा वो हम बता दे रहे हैं कि कैसे आया है, क्या आया है। बी है -7 1 1 -7, ये जो बी है वो होगा -7 1 1, मतलब a11 की -7, a12 की -1, a13 की -1, -7 1 1, और फिर से बी, ये बी हमारा हो गया, फिर -1 0 -1 -1 0 1 और -1 1 -2 1 1 -2 और 1 1 -2 और 1, ये हमारा 1 सॉरी जो b था हमारा -7 1 1 और 6 6 0 6 0 -2 6 0 sorry 6 0 -2 6 0 -2 और 6 0 -2
और माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन वन माइनस वन माइनस वन वन, ये हमारा क्या होगा? ए वन वन हुआ, ए वन टू हुआ, ए वन थ्री हुआ, ए टू वन हुआ, ए टू हुआ, ए टू थ्री हुआ, ए थ्री वन हुआ, ए थ्री टू हुआ और ए थ्री थ्री हुआ। उसके बाद हमें ये ए ड्राइव ए निकालना है, तो हम वही करेंगे कि ए ड्राइव ए बराबर बी डैश, बी डैश निकालने के लिए हम वही करते हैं हम कि इसको चेंज कर लेंगे, बी होगा माइनस सेवन वन वन और ये हो जाएगा सिक्स जीरो माइनस टू माइनस टू माइनस वन माइनस वन और ये हमारा एट पॉइंट वन एट पॉइंट ए हो जाएगा। किसी का भी हमको एट पॉइंट ए निकालना होगा तो सबसे पहले उसका हम दो फैक्टर निकालेंगे और दो फैक्टर निकालने के बाद अगर हम दो फैक्टर निकाल लेते हैं, दो फैक्टर निकालने के बाद हम करेंगे यही कि उसको रख देंगे बी में और ये हमारा एट पॉइंट ए हो जाएगा और ये हमारा बी डैश हो जाएगा और ऐसे ही हम एट पॉइंट ए निकाल लेंगे। अब उसके बाद चांस आते हैं ए इनवर्स का, ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे कि ए इनवर्स हमारा कैसे निकलेगा। तो ए इनवर्स के लिए भी हम बता दे रहे हैं अभी कि हमारा ए इनवर्स कैसे निकलेगा। हमने अभी तक आपको बी डैश निकालने के लिए बता दिया, अब हम इनवर्स निकालने के लिए बता रहे हैं। इनवर्स अगर आप सीख जाएंगे तो लगभग लगभग आपका बहुत ज्यादा ही नहीं, तो हमने मल्टीपल बता दिया, अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे वो हम बता दे रहे हैं। एट जॉइंट ए निकालने के लिए आपने सीख लिया, एट जॉइंट ए मतलब कि एट जॉइंट निकालने के लिए सीख लिया, ये तथ्य है कि अब आप ए इनवर्स भी निकालेंगे, इसीलिए हमने इसीलिए हमने ए ज्वाइंट ए बताया है। अब हम ए इनवर्स बताने चल रहे हैं कि ए इनवर्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन है कि यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो 253 यदि हमारा कोई ऑब्जेक्ट है 253 312 312 253 312 121 121 121 इससे हमको ए इनवर्स निकालना, हमको ए इनवर्स निकालना है, इसी को हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। इसका हमें ए इनवर्स निकालना है और इसी को हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट हमको निकालना होगा कि इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो हमारा क्या। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट किससे निकालते हैं, अगर हमारा डिटरमिनेंट ए के जीरो के बराबर नहीं है तो हम आगे ए इनवर्स निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे 5 3 3 1 2 1 2 1। अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो निकालते हैं ये खत्म हुआ ये खत्म हुआ और ये हो गया हमारा वन और ये हो गया ठीक। अगर हम फाइव करते हैं माइनस के साथ तो ये खत्म हुआ ये खत्म हुआ और ये हो गया हमारा थ्री और ये हो गया हमारा माइनस। फिर अगर हम थ्री करते हैं प्लस थ्री तो ये
ये खत्म हुआ, तो एक हमारा हो गया सिक्स और माइनस, ये हो जाएगा हमारा टू माइनस थ्री, फिर माइनस फाइव और ये माइनस वन और ये फाइव और ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये माइनस सिक्स और ये हो जाएगा प्लस फाइव और प्लस टू, तो ये वही होगा और ये हो जाएगा माइनस, जब ये माइनस वन होगा सिक्स फाइव के लिए और ये हो जाएगा फोर और फोर मैच कर दिए, मतलब इसका क्रम हमारा निकलेगा, ये हमारा जीरो के बराबर आ जाता है डिटरमिनेंट, इसका क्रम हमारा नहीं निकलता, लेकिन इसका क्रम इसलिए निकलेगा कि ये हमारा जीरो के बराबर नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि एट जॉइंट ए निकालेंगे, एट जॉइंट ए निकालने के लिए आपको हमने बताया था कि एक जॉइंट ए कैसे निकालते हैं जो हमारा बी डैश होगा, अब इसका एट जॉइंट ए निकालेंगे, इसका हम एट जॉइंट ए निकालेंगे वो हमारा जो आएगा उसको हम ए वन वन ए वन टू करके ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री जो हमने बताया था, जैसे एक बार और हम दे रहे हैं कि एट जॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री टू थ्री ए टू टू ए टू थ्री ए थ्री थ्री ए थ्री टेन ए थ्री थ्री ए थ्री वन ए थ्री वन ए थ्री टू ए थ्री थ्री, इसको हम निकाल लेंगे और हम रख लेंगे बी डैश में, तो ये हमारा एट जॉइंट ए होगा, तो एट जॉइंट ए निकालें आप निकाल लें, अभी हम बता देंगे कि एट जॉइंट ए क्या होता है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एट जॉइंट ए हमारा क्या होगा। अगर आप एट जॉइंट ए निकालना है तो ये निकालना पड़ेगा, अभी हम उसको लिख देंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगा कि एट जॉइंट ए कैसे हम निकालेंगे, देखिए एट जॉइंट ए निकालने के लिए ए वन वन निकालेंगे ए वन टू निकालेंगे ए वन थ्री निकालेंगे ए टू टू निकालेंगे सॉरी ए टू वन निकालेंगे ये ए टू वन निकालेंगे ए टू टू निकालेंगे ए टू थ्री निकाल फाइंड आउट करेंगे और फिर ए थ्री वन फाइंड आउट करेंगे फिर ए थ्री टू फाइंड आउट करेंगे और फिर ए थ्री थ्री फाइंड आउट करेंगे, तब हमारा ये होगा कि हमारा पूरा का पूरा एट जॉइंट ए निकलेगा और वही हमारा बी डैश होगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा हिंट के लिए मैं कर दे रहा हूँ, ये होगा ये हो जाएगा थ्री वन सेवन, थ्री वन सेवन माइनस वन माइनस फाइव माइनस वन टू फाइव और तीसरा जो होगा फाइव वन माइनस ट्वेंटी फाइव वन माइनस, ये बी डैश निकाला, बी डैश कैसे निकला मतलब ये हमारा बी निकलेगा, ये बी निकलेगा जो भी होगा वो बी निकलेगा, ए निकलने के बाद उसको हम दो कॉलम में और कॉलम दोनों में चेंज कर देंगे तो ये हमारा जॉइंट ए निकलेगा, उसके बाद हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है ए इनवर्स यानी को व्युत्क्रम, या तो व्युत्क्रम लिखो या तो ए इनवर्स लिखो, ये होता है व्युत्क्रम, मतलब ए ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एट जॉइंट ए अपान एट जॉइंट और यही हमारा इनवर्स का फार्मूला होता है, इसी से हम निकालते हैं, आपको ए पता ही है, ए हमने दे ही दिया है जो डिटरमिनेंट है और ए इनवर्स दे ही दिया है, आप इसमें रख लो और यही आपका ए इनवर्स होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ए इनवर्स को भी कहता है कि व्युत्क्रम निकालिए, कहता है कि आप व्युत्क्रम निकालिए, तो आपको घबराना नहीं है, वो व्युत्क्रम ही हमारा ए इनवर्स होता है, जब हमारा ए इनवर्स हो जाएगा वही हमारा व्युत्क्रम होता है, ये नहीं कि आप घबरा जाए नहीं सर अब हम क्या करें अब हमारा क्या होगा, तो आप ये कन्फर्म हो जाए कि जो हमारा ए इनवर्स होगा वही हमारा व्युत्क्रम होगा, ठीक है।
तो अब A इनवर्स के लिए ये हमने लिख दिया, ये हमारा है और A इनवर्स, तो यहां पे लिखेंगे जब ये 1/4 हो गया, इसको फैक्टर कर देंगे -3, -3, -1, 7 और ये हो गया -1, -1 और 5 और ये हो जाएगा 5, 1 और -5. ये हमारा क्या हो गया, ये इनवर्स हो गया। जब ये इनवर्स हो गया तो अब हमारा जो ए इनवर्स हो जाएगा, इसको हम सीधे सीधे लिख पाएंगे ए इनवर्स बराबर हमारा जो डिटरमिनेंट होगा जो आगे होगा इसकी सब में 4 से डिवाइड कर देंगे और यही हमारा आंसर होगा। आप डिवाइड करके देखो, अगर कर पाते हो ठीक है, नहीं तो वो भी हम कर दे रहे हैं और उसके बाद हम सबमिट टाइप का बता दे रहे हैं। इसको अब नहीं कर पा रहे हो तो भी हम कर दे रहे हैं, कर रहे हैं है कि -3/2, -4/2, -1/2, 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 -1/2
यही हमारा एम होगा। इसको करने के लिए हम एक बार सभी तौर पर एक बार और बता देंगे, पहले आप देख लो कि आपको कहाँ कहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तब हम एक समरी के तौर पर इसको बता दे रहे हैं समरी, मतलब कैसे हम इनवर्स निकालेंगे। अगर आपको जॉइंट ए निकालने आ गया है, वो फैक्टर निकालने के लिए आ गया है, ये कन्फर्म है कि आप ये इनवर्स भी निकाल लेंगे। अगर आप जॉइंट ए नहीं निकाल पाते हैं तब आपको प्रॉब्लम होगी, ए इनवर्स निकालने में भी प्रॉब्लम होगी। अगर आप ए इनवर्स जॉइंट ए निकाल लेते हैं तो आपको ए इनवर्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये ध्यान देना होगा कि आप ए इनवर्स निकाल पाते हैं क्या, ए निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। अगर आप जॉइंट ए निकाल पाते हैं तो कन्फर्म है कि आप बी डैश भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम इसका एक समरी अभी बता दे रहे हैं कि हमने कैसे इसको किया। और फिर सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, कोई भी अगर बड़ा क्वेश्चन है और कहे कि ए इनवर्स निकाल रहा है, ये भी कर सकता है कि व्युत्क्रम निकाल रहा है। कोई भी क्वेश्चन है कह रहा है कि ए इनवर्स निकाल रहा है, ये भी कर सकता है कि वो व्युत्क्रम भी हमें निकाल रहा है। अगर व्युत्क्रम निकाल रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकाल, और डिटरमिनेंट हमने निकालने के लिए आपको फर्स्ट ईयर में बता चुके हैं कि हमारा डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा। और डिटरमिनेंट निकालने के लिए आप जानते ही हैं, अगर हमने डिटरमिनेंट जो निकाला वो हमारा जीरो के बराबर नहीं है, जो डिटरमिनेंट निकाला हमने जीरो के बराबर नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि इसके आगे हम काम कर पाएंगे, यानी मतलब इसका हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, ए डॉट ए निकालने के लिए आप जानते हैं कि फैक्टर निकालेंगे और फिर बी डी एस निकालेंगे, ए डॉट ए हो जाएगा। जब ए डॉट ए हो जाएगा तो ये कंफर्म है कि जब एट ट्वेंटी ए आप निकालेंगे तो फिर ए इनवर्स निकालेंगे, आपका होता है एट ट्वेंटी ए अपॉन डिटरमिनेंट। पुट कर देंगे जो एट ट्वेंटी ए निकाला है और ए का पद पुट कर देंगे तो वो हमारा ए इनवर्स हो जाएगा। कहने का मतलब मिला जुला का है कि इसकी समरी जो है होगी उसमें हम यही करेंगे कि सबसे पहले हम
सबसे पहले हम यही करेंगे, ए इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले यही करेंगे कि ए ज्वाइंट ए निकाले। सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, हमको ए इनवर्स जब भी निकालना होगा तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे और डिटरमिनेंट निकाल के देख लेंगे वो जीरो के बराबर ना हो। अगर जीरो के बराबर हो तो उसके लिए इनवर्स हमारा नहीं निकलेगा क्योंकि पूरे टर्म को हमारा जीरो कर देगा। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, उसके बाद डिटरमिनेंट का इसका लिमिट पुट करके कर देंगे, हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। अब ये देख लें कि हमने क्या क्या बता दिया, आज हमने ए ज्वाइंट ए बता दिया और ए इनवर्स, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ए ज्वाइंट ए से ये मान के चलिए कि कंफर्म है कि आपको ए इनवर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। ए इनवर्स भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ए ज्वाइंट ए से हमारा ए ज्वाइंट सब इसको कहते हैं सब फंडल आप यू, ये भी हमारा दो नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इंपॉर्टेंट कि हर साल आप पेपर में देखेंगे डिप्लोमा के हर साल ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि इसका या तो ज्वाइंट एट बताएं या तो ये इनवर्स बताएं। ऐसा कोई साल नहीं होगा जिसमें ये ना पूछा गया हो कि इसका ए इनवर्स चाहे ए ज्वाइंट ए ना बताएं। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे इसकी बहुत ही जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप कोशिश करो कि इसको अच्छे से देख लो और जो प्रॉब्लम होगी हम आगे बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।